जिंदाबाद जिंदाबाद। वापिस करो वापिस करो वापिस करो वापिस करो। ड्राइवर रेखता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ड्राइवर रेखता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ड्राइवर रेखता जिंदाबाद जिंदाबाद। सारा कानून वापिस करो वापिस करो वापिस करो। सारा कानून वापिस करो वापिस करो वापिस करो। ड्राइवर रेखता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ड्राइवर रेखता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, मैं चंबा प्राइवेट बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन का उप प्रधान प्रणाम सिंह राठौर। केंद्र सरकार ने जो ये एक कानून पारित किया है हिट एंड रन केस, जिसमें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना, तो मेरा केंद्र सरकार से ये गुजारिश रहेगी, अपील रहेगी कि ये जो 10 साल की सजा है और ये जो 7 लाख रुपए का जुर्माना है, ये ड्राइवर भाई कहाँ से भरेगा। जानबूझ के ड्राइवर कभी कोई गलती नहीं करता है। मान लो अगर ड्राइवर से गलती हो जाती है, तो अगर ड्राइवर बेचारा उस जिसके साथ गाड़ी लगती है उस इंसान को अगर उठाने के लिए नीचे आता है, तो पब्लिक जो है वहां की जो लोकल पब्लिक होती है वो सीधा टूट पड़ती है ड्राइवर के ऊपर। तो ड्राइवर मजबूरन ड्राइवर को वहां से भागना पड़ता है, या तो वो ड्राइवर जाके कहीं जाके छिप जाता है, तो पीछे से जो ये अगर ड्राइवर छिप जाएगा तो पीछे से 10 साल की सजा और ये 7 लाख रुपए का जुर्माना ड्राइवर के ऊपर पड़ जाएगा। तो अगर किसी कोई ड्राइवर बेचारा एक ही घर का ड्राइवर कमाने वाला है, उसके ऊपर इतना बड़ा ये बोझ पड़ जाएगा, 7 लाख रुपए का जुर्माना पड़ जाएगा, वो ड्राइवर बेचारा कहाँ से देगा इतना बड़ा जुर्माना। सरकार ने ये कानून बनाया है तो क्या सोच के बनाया है और किस अहमियत किस तरह से ये कानून बना दिया है। ड्राइवर कोई करोड़पति नहीं है, ड्राइवर के पास कोई इतना पैसा होता तो वो गाड़ी क्यों चलाता, रोड पे अपनी जान जोखिम लेकर क्यों चलता। सुबह घर से निकलता है, शाम को पता नहीं होता है कि घर वापस आना है नहीं आना है। तो इतना ये 7 लाख रुपया ड्राइवर भरेगा, पीछे उसके अगर कोई एक ही आदमी मान लो घर का ड्राइवर कमाने वाला है, उससे अगर ये घटना हो जाती है ना अनजाने में, चाहते हो तो कोई घटना कर नहीं सकता है, अनजाने में अगर ये घटना हो जाती है तो उसको 10 साल की सजा, मान लो 10 साल की सजा होगी, पीछे से उसका परिवार भूखा मर जाएगा। क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेता है, क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेता है कि कोई अगर ड्राइवर किसी गलती से अगर ये घटना घट जाती है, उसको मान लो अंदर कर दिया जाता है, 7 लाख रुपया बेचारा वो कहाँ से भरेगा, उसकी आगे उतनी सजा बढ़ा दी जाती है तो पीछे 10-15 साल एक ड्राइवर अंदर रहेगा तो पीछे उसका परिवार भूखा मरेगा। तो ये जो कानून सरकार ने बनाया है ये बिल्कुल ही गलत है। हम सभी ड्राइवर भाई सरकार से अपील करते हैं कि इस कानून को वापस दें। मैं चमुंडा टैक्सी यूनियन नजदीक प्रमोद चौक का सचिव हूँ। जो ये केंद्र सरकार ने हम चालकों के ऊपर जो ये काला कानून थोप दिया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। लेकिन भारत सरकार को ये चाहिए कि जो ये चालक है, भले ही बस चालक है, ट्रक चालक है, रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है, जो भारत सरकार की अर्थव्यवस्था जो है 60% जो है ये चालकों पे निर्भर है। अगर हम चालक, बस चालक, ट्रक चालक, जो भी चालक हैं, टैक्सी चालक, एक दिन के लिए अगर स्टेयरिंग छोड़ अभियान चालू करें तो इनको पता चल जाएगा कि इनकी ड्राइवर चालकों की अहमियत क्या है। इसलिए मेरा सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध है, आग्रह है कि जो हमारी ये 3 दिन की जो स्ट्राइक है, जो केंद्र सरकार ने हम चालकों के ऊपर इतना भारी ये काला कानून थोप दिया है, इसके विरोध में हम सब चालक भाई लोग जो है इकट्ठे होके इसका विरोध प्रदर्शन करें। और मेरे सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध है, चाहे वो प्राइवेट बस चालक है या ट्रक चालक है, जो ये 3 दिन की हमारी स्ट्राइक है, उस स्ट्राइक में हमारा एकजुट होकर सहयोग करें। जैसे बीच बीच में से कोई लोग अभी गाड़ी चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, बसें चला रहे हैं या टैक्सी चला रहे हैं, मेरे सभी चालक भाइयों से अनुरोध है कि जो हमारा 3 दिन का जो ये विरोध प्रदर्शन है केंद्र सरकार को, कि ये जो हमारे ऊपर ये काला कानून थोप दिया है, इसको जो है वापस करवाना है। इसलिए मेरे सभी भाइयों से अनुरोध है कि ये इस विरोध में हमारा साथ दें। धन्यवाद।